नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके चैनल के एग्जाम फाइट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए आज मैं जीके जीएस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो कि ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे एसएससी, जीडी, यूपी, ट्रिपल एससी, रेलवे। इन सभी के अलावा आपका कोई भी एग्जाम हो तो अगर जीके के प्रश्न आते हैं तो ये उसके लिए भी हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए अपने प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालगुड़ी डेज के लेखक हैं? सही उत्तर आर के नारायण। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को किसने पढ़कर सुनाया था? सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर है? सही उत्तर विजयवाड़ा। अगला प्रश्न, प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि वर्ष होती है? सही उत्तर 3 वर्ष। अगला प्रश्न, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? सही उत्तर 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? सही उत्तर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर से। अगला प्रश्न, मामा भांजा मंदिर है? सही उत्तर बारसूर छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, मेटूर बांध अवस्थित है? सही उत्तर कावेरी नदी में। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? सही उत्तर कुमाऊं। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका है? सही उत्तर स्वतंत्र। अगला प्रश्न, सारिस्का पक्षी अभयारण्य है? सही उत्तर राजस्थान में। अगला प्रश्न, ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? सही उत्तर सिराजुद्दौला के कारण। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध किससे है? सही उत्तर मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है? सही उत्तर जिनेवा में। अगला प्रश्न, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न, ब्राजील अवस्थित है? सही उत्तर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, गोलकुंडा जिला किला किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर तेलंगाना में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी? सही उत्तर कोकिला आयर। अगला प्रश्न, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है? सही उत्तर भोपाल में। अगला प्रश्न, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? सही उत्तर न्यूमिस्कोमेटिक। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? सही उत्तर चंद्रमा। अगला प्रश्न, सभी वायुमंडल क्रिया जिनसे मौसम की अवस्थाएं बदलती हैं? सही उत्तर ट्रापोस्फीयर। अगला प्रश्न, मार्बल लेक है? सही उत्तर मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान। अगला प्रश्न, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? सही उत्तर पीसा इटली में। अगला प्रश्न, भारत मसालों में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? सही उत्तर काली मिर्च में। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा का नाम है? सही उत्तर एन। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम का संबंध किससे है? सही उत्तर 7 पैगोडा से। अगला प्रश्न, टेलीग्राफी का आविष्कारक किसने किया था? सही उत्तर मार्कोनी ने।
अगला प्रश्न, राडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? सही उत्तर कोहरा से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय धातु क्रम लेबोरेटरीज स्थित है? सही उत्तर शमशेदपुर में। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? सही उत्तर बुध। अगला प्रश्न, बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक हैं? सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, उत्साह जाकिर हुसैन किस वाद यंत्र से संबंधित है? सही उत्तर तबला से। अगला प्रश्न, हम्पी किस राजवंश के खंडहर हैं? सही उत्तर विजयनगर से। अगला प्रश्न, हेमावती सहायक नदी है? सही उत्तर कावेरी नदी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर इंद्र के लिए। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि है? सही उत्तर 1 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की है? सही उत्तर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? सही उत्तर शेरशाह के काल में। अगला प्रश्न, वांगगांव नदी के को कहा जाता है? सही उत्तर चीन का शोक। अगला प्रश्न, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा हुई थी? सही उत्तर 1947 में। अगला प्रश्न, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर श्री शंकराचार्य। अगला प्रश्न, सेल्सियस कहाँ स्थित है? सही उत्तर हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल स्थित है? सही उत्तर उत्तरी अफ्रीका में। अगला प्रश्न, मानसून का कारण हवाओं का है? सही उत्तर मौसमी उत्क्रमण। अगला प्रश्न, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? सही उत्तर मेघालय में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण के कारण होता है? सही उत्तर दिन और रात के कारण। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय ने।